Hello student, so today we are going to learn one another concept, and this concept is tall and short. So everyone, first take out your numeracy skill textbook, okay, and open the page number 1919. Okay, so look at here everyone. Tall and short. Okay, so now tell me, which bottle is tall and which bottle is short? Look at here. Which bottle is tall and which bottle is short? Yes, very good. This one is tall. ये bottle कैसी है? Tall है. ये bottle कैसी है? Tall bottle है. और ये जो bottle है वो कैसी है? Short bottle है. Tall and short. ये कैसी है? ऐसी टॉल है. और ये कैसी है? शॉर्ट है. शॉर्ट, टॉल, टॉल, शॉर्ट, टॉल, शॉर्ट. ओके, देखो ये कैसी है? ये टॉल है, टॉल. और ये कैसी है बेटा? दिस वन इज शॉर्ट. टॉल शॉर्ट. शॉर्ट टॉल. ओके, so now I have another object. Look at here. This pencil is tall pencil. And this pencil is short pencil. Tall pencil, short pencil. देखो, है ना? टॉल पेंसिल शॉर्ट पेंसिल. ये कैसी पेंसिल है? टॉल पेंसिल है. ये देखो, ये टॉल पेंसिल है. और ये कैसी पेंसिल है बेटा? शॉर्ट पेंसिल है. ओके, सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट. ओके, टिक द टॉलर ऑब्जेक्ट. जो टॉल ऑब्जेक्ट है उसमें हमें क्या करना है? टिक करना है. ओके, फ्लावर वास, दिस वन इज फ्लावर वास. ओके, बट दिस फ्लावर वास इज टॉल. टॉलर देन दिस, ये फ्लावर वास है वो कैसा है? शॉर्ट है. और ये फ्लावर वास है वो कैसा है? टॉल है. कैसा है? टॉल है. तो हमें किस पे टिक करना चाहिए? यस, दिस वन. हियर टिक मार्क. ओके, नाउ दिस टेबल इज टॉल टेबल एंड दिस टेबल इज शॉर्ट टेबल. टॉल शॉर्ट. देखो, अब भी ऐसे करना बुक में. टॉल शॉर्ट. ओके, सो एवरीवन टिक मार्क हियर बिकॉज दिस वन इज टॉल टेबल. ओके, नाउ दिस वन इज कोकोनट ट्री एंड दिस वन इज बनियन ट्री. दिस वन इज कोकोनट ट्री. कोकोनट ट्री इज टॉलर एंड बनियन ट्री इज शॉर्ट. शॉर्ट ट्री है. जो बनियन ट्री होता है वो कैसा है? शॉर्ट ट्री होता है. और वो जो ये जो कोकोनट ट्री होता है वो कैसा होता है? सबसे टॉल होता है. होता है ना, आपने देखा होगा. ओके, सो एवरी वन टिक हियर बिकॉज दिस वन इज टॉल एंड दिस वन इज शॉर्ट. टॉल शॉर्ट. ओके, नाउ वन इज होमवर्क फॉर यू. हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली. आपकी फैमिली में सबसे टॉलेस्ट कौन है? टॉल कौन है? मम्मा हो, पापा हो, या दादा दादी, जो भी हो उसका नाम यहाँ पे लिखना है. नेम यानी कि आपकी ग्रैंड मदर हो तो यहाँ पे लिखना है ग्रैंड मदर. ग्रैंड फादर हो तो यहाँ पे लिखना है ग्रैंड फादर. ओके, मम्मा डैडी लिखो तो मम्मा हो तो मम्मा लिखो, और पापा हो तो पापा लिख सकते हो आप. ओके, नाउ हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली. इफ यू देन राइट मी, M-E, and if your brother or sister, who is younger than you, then write here
माय यंगर ब्रदर और माय यंगर सिस्टर. ओके, थैंक यू एवरीवन.